तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम दिखाएंगे प्रिशा का सिल्वर और गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको सिल्वर सिल्वर दिखा दूँ, उसके बाद फिर और मैं इसको किस लिए दिखा रही हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगी कि मैंने इसको किस लिए दिखाया है आप लोगों को। तो सबसे पहले ये है प्रिशा का पायल, जो कि अभी इनको अन्नप्राशन में दादी ने गिफ्ट किया है, और ये 3 तोले का है। ये भी काफ़ी अच्छा, ये 36 ग्राम लगभग का है, 3 तोला से ज़्यादा का ही है। तो ये दादी ने इनको गिफ्ट दिया है, और ये प्रिशा का पैर में पहनने वाला है। इसको इनकी नानी ने दिया था, जब ये नानी इनके घर गई थी तब नानी ने इनको दिया था, और ये भी पहना था, फिर मैंने निकाल दिया था। और ये भी, ये पता नहीं कितने का है, बट नानी ने दिया था तो मासी लेने गई थी इनकी। और ये हो गया दूसरा सिल्वर कलेक्शन प्रिशा का, और इसमें प्रिशा का कड़ा है, ये वो कड़ा है जब प्रिशा PBR गई थी तो एक हाथ का गिर गया था, इसलिए मैंने और बनाया था। क्योंकि मैं इसलिए इस वीडियो बना रही हूँ कि अगर मैं वीडियो बनाने के लिए ना मतलब बनाती तो उस दिन ये प्रिशा का कड़ा गुम जाता ना मिलता। तो इनकी छोटी बुआ ने इनको दिया था, इनके नेम सेरेमनी में ये मिला था, छोटी बुआ ले आई थी, तो उस दिन इस वीडियो की वजह से ये कड़ा मिल गया था। एक्चुअली हम जान गए थे कि ये PBR में ही गिरा था, क्योंकि मैंने छोटी छोटी क्लिप मतलब रिकॉर्ड की थी वीडियो के लिए, तो उससे मुझे पता चल गया था कि ये वहीं गिरा। एक्चुअली हम लोग कार से नहीं गए थे, स्कूटी से गए थे, तो मुझे लगा रास्ते में गिर गया था, लेकिन जब मैंने वीडियो देखा तो प्रिशा के पापा के शूज़ के पास ही ये गिरा था, तो मैं जान गई कि ये प्रिशा। फिर हम लोग वापस वहाँ गए थे, लेके आए थे। ये प्रिशा का तीसरा हो गया, ये सिल्वर कलेक्शन है प्रिशा का, ये तीसरा हो गया। और ये है प्रिशा का कटोरी है, ये ऐसे रखने की वजह से टेढ़ा हो गया है, जिससे अन्नप्राशन में प्रिशा ने खीर खाया था। ये बहुत लाइट वेट है ये। और ये स्पून है, ये तो थोड़ा हैवी है, ये तो, ये दोनों हम लोग को 2700 का पड़ा था, 2700 रुपये का। ये आप देख लीजिए, इसका डिजाइन भी अच्छा लग रहा है। ये चांदी का चम्मच और ये कटोरी प्रिशा को अन्नप्राशन में पापा इनके ले आए थे। और लास्ट प्रिशा का है ये प्रिशा को नानी के यहाँ से ये मिला था, क्योंकि एक्चुअली हमारे यहाँ जो बच्चे बहुत मन्नतों से होते हैं तो नानी उनको मतलब मामा के हाथ से ये गोल्ड और सिल्वर पहनाते हैं गले में। तो प्रिशा ने सिल्वर अपना पहना है गले में, वो हाय है, और ये ओम नानी ने इनको बना के दिया था। तो अभी इनको बर्थडे में नानी कान का या कुछ भी गले का देंगी, तो शायद कान का ही देंगी हमसे कह रही थी। और ये चेन अभी हम लोग ने प्रिशा को अन्नप्राशन भी खरीदा, तो ये मुझे 17,000 समथिंग की पड़ी थी। बहुत अच्छी डिजाइन, मुझे एक ही नज़र में इतना अच्छा लग गया था कि मैं इसको फिर गई थी लेके आई थी। तो ये भी, ये है प्रिशा का, बहुत लाइट वेट है, ये अप्रॉक्स 3 ग्राम समथिंग का है, ऐसे ही कुछ 17,000 समथिंग का था, 200 ऐसे ही कुछ। तो कैसा लगा प्रिशा का गोल्ड और सिल्वर कलेक्शन? तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो बताइएगा मेरी बेटी का ये कलेक्शन आपको कैसे लगा।